सुनो बच्चों, में तो आप सुन लोग का एक बार फिर से स्वागत है बहुत दिनों के बाद मेरी एक और नई मस्त सी वीडियो में। तो मीटर का मैंने आपको बताया था कि मीटर खराब हो चुका है, तो ये उसकी वायर है, वायर चेंज होनी थी। तो यहाँ पर ये मैंने मैट खोल के रखा है, तो करते हैं अभी इसको चेंज। एंड बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था यूट्यूब पे, सो मैं काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। अब भी सिर में मेरे दर्द हो रही है, बट चलो तो कोई बात नहीं, पहले से थोड़ा अच्छा है अभी। और बारिश भी थी, 7-8 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो फिर मैं ब्लॉग बना भी नहीं पा रहा था। एंड बाकी फिर सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड करते हैं अभी चेंज। सो देखो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कैसे चेंज करनी है। सो चलो देखो फिर वीडियो में आगे। A few moments later. So, चलो गाइस फिर शुरू करते हैं इसको। पहले तो ये खोलना पड़ेगा। So, यहाँ पर आपको पीछ पर से पहले ये नेट खोलना पड़ेगा। अगर आपकी TBS Jupiter VS4 है तभी आप ऐसा करना, नहीं तो बाकियों की कुछ की तो इंजन में होती है पीछे, एंड इसकी यहाँ पे टायर पे होती है Jupiter VS4 में। 6 में आई थिंक पीछे इसमें होती है इंजन में। तो गाइज ये पीछे तो लग नहीं रहा। एंड गाइज अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ध्यान से देखो जरा, इस जगह पे ना ये नेट जो वो खराब हो चुका है, तो वो इस पेचकस से तो खुल नहीं रहा। लेकिन छोड़ो इसको, इसका जुगाड़ भी है मेरे पास, इससे ट्राई करके देखते हैं, आई थिंक खुल जाए। नहीं तो गाइज थोड़े बहुत काम तो हम खुद भी कर लेते हैं यार, गाड़ियां रखी हैं तो उनके बारे में नॉलेज होना भी बनता है यार। खुल गया पेचकस से, ग्लास से खुल गया, थोड़ी पेचकस से नहीं, टाइट है अभी। खोल तो दिया बट इसको वापस से टाइट कैसे करेंगे, दोस्त तो हो गया ये। गाइस ये खुल नहीं रहा है, तो बैठना खराब हो जाए यार, इसकी चूड़ियां ना मर जाए। आपने भी अगर खोलना होगा तो एकदम आराम से खोलियो, नहीं तो ये नेट फिर साइज अलग अलग होते हैं, तो पता नहीं मिलेंगे शॉप में या नहीं मिलेंगे, घर में भी पता नहीं आपके होगा। सो इसकी चूड़ियाँ तो अभी तक मुझे ठीक ही लग रही हैं। सो इसको इधर मत गिरी यार, इधर रख देते हैं इसको। एंड ये आपको थोड़ा सा पीछे सा इसको खींचना है, एंड ये खुल जाएगी आपकी वायर। एंड अभी ऊपर से अपने को ये वाइजर खोलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पे यहाँ पे लगा होगा ये। सो देखते हैं पेचकस से खुलता है तो ठीक है, नहीं तो ये खुल रहा है, इससे खुल गया है। एक यहाँ पे, एक इस साइड, एंड नीचे भी इसी तरह से है, एंड दो नट ये नीचे। तो ये 6 नट आपको जो वो खोल लेने हैं, लूज करके इनको नटों को ना बाहर निकाल लेना, तभी आपका ये वाइजर आगे का ये खुलेगा। तो जल्दी जल्दी मैं लूज कर लेता हूँ इसको। A few moments later. गाइस ये आखिरी वाला नट मैंने खोल लिया। तो इस साइड जाके इसको थोड़ा सा ना, यहाँ पे एक लॉक होता है, इस यहाँ पे ना तो थोड़ा सा बाहर की साइड को धक्का देना, खुल जाएगा ये। एंड नट देख लेना आप, सारे खुल जाए, नहीं तो ये अड़ेगा। बट ज़्यादा जोर से मत खींचना, अगर आराम से इस तरह से अगर निकल आएगा पीछे को तो वही खींचना, नहीं तो नेटों को थोड़ा सा और लूज कर लेना, क्योंकि नेट अगर खींचोगे तो नेट का ये जहाँ पे ये पोर्ट होता है ना, ये खराब हो सकता है। तो आराम से ज़रा खोलना है इसको, क्योंकि अगर ये पोर्ट खराब हो गए बीच में से तो फिर ये साइज का नेट मिलना मुश्किल है। यहाँ से आपको ये मीटर वाली ये जो होती है, ये आपको जो लूज कर लेनी है, ये वाली ये लूज करके, अगर हाथ से हो जाती तो ठीक है, नहीं तो अपने प्लायर से, प्लास से जो वो लूज करके फिर इसको ऐसे नीचे को डाल देना। एंड तो ये ऐसे फिर नीचे से यहाँ से खींचना और ये निकल आएगी। तो अब फिर नई डालनी है तो नई ध्यान से डालना, कि अगर ये नीचे इसमें मिट्टी चली गई ना इस वाले में तो काम खराब हो जाएगा फिर ये, तो क्योंकि इसके अंदर ग्रीस होती है, तो फिर ये पूरी तरह से घूम नहीं पाएगी, ये ऐसे घूमेगी, आप देख सकते हो बीच में ये घूम रही है ना, ऐसे घूमेगी। तो इसको आपने बहुत आराम से, मतलब प्यार प्यार से इसको यहाँ से आपको नीचे को डालना है। एंड अब देख लेना अपने हिसाब से कैसे हो, आपकी एडजस्टमेंट इन तारों की कैसे होगी, तो उस हिसाब से डालना है सीधा।
कहीं अटके ना, सीधा नीचे जाए। तो मैं तो इन तार हो गए ना हाथ हाथ में डाल दो, ये नीचे जाएगी सीधे। एंड वो गाइस नीचे पहुंच चुकी। एंड पहले पहले इसको लगा लेता हूँ, नहीं तो इसमें मिट्टी घुस जाएगी, इसमें ना मिट्टी वगैरह हो। तो गाइस इसके अंदर का ही मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या वो स्टैंड ना निकल जाए। तो इसके अंदर ना आई होप आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ना एक पिन सी होती है, पिन टाइप होती है, दिख रहा होगा आपको, ये पिन टाइप होती है। ये जब टायर घूमता है ना तभी ये घूमती है पिन। और ये बीच में जो ऐसे है ना, ये मतलब ये बीच में एक तार है ना, इसमें ऐसे कट लगा है बीच में, ये भी फिर इसके साथ साथ बीच की वायर जो है वो घूमती है, ये वाली घूमती रहती है बीच में जो, और फिर वो मीटर की सुई जो है वो चलती रहती है। तो ये फिर आपको इसके अंदर से लेनी, इसके अंदर से, लेकिन ध्यान रखना इसमें मिट्टी ना लगे आगे, ये क्योंकि यहाँ पे ग्रीस है तो फिर काम खराब हो सकता है। यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पिन पे लगा के इसको दबा देना है आगे को। एंड फिर ये जो नट खोला था इसके साथ का, उसको जो वो टाइट कर देना, बट ये थोड़ा सा आगे को रखना तार को दबाए हुए। एंड फिर ये नेट को अपने टाइट कर देना। A few moments later. So guys, यहाँ पे मैंने नेट लगा दिया। So ये वाला था इसका नेट ओरिजिनल वाला। एंड मेरे पास इस टाइप का कोई नेट नहीं था, बहुत ज्यादा ढूंढा मैंने, बट ये मैंने यहाँ पे जुगाड़ कर दिया। ये थोड़ा सा लेंथ ही था, नेट लंबा था। So यहाँ पे मैंने इस साइज का रखा आगे, एंड उसके पीछे ये बाशल और एक नेट सा फसा दिया कि ज्यादा ऐसे खाली सा ना लगे। एंड अब ये तार जो है वो अपनी रेडी हो चुकी है पूरी। सो यहाँ पे ये भी टाइट हो चुका है। एंड तो अभी काम है अपना ऊपर करके ये टाइट कर देना। ये आपको टाइट ओनली अपने हाथ से करना है, प्लायर की मदद से नहीं करना, जितना हाथ से हो सकता है उतना कर देना, पर बहुत ज़्यादा भी मत कर देना कि खराब हो जाए। एंड अभी अपने टायर को जो है वो अपन वो करके देखते हैं, रोटेट करके देखते हैं चलता है तो ठीक है, आई थिंक चल ही पड़ेगा अभी, बट तो ये चल रही है। एक बार और घुमा देता हूँ मैं, थोड़ी ज़्यादा स्पीड में किया मैंने, ये स्पीड चल रही है। सो मिशन पास्ड। एंड अभी ये देखो सुई नीचे आ गई। सो ये अपना होल्डन, एंड फिर इसको जो को टाइट कर देना, बट ये नेटों का ध्यान रखना, नेट कह रहे ना कहीं पे कोई हेडलाइट की। एंड ये वो साइड में दो बल्लर होते हैं छोटे, ये वाले हैं, ये वाला ये कर लेता हूँ मैं टाइट। इनको छः नेट होंगे तो छः नेट ही आपको टाइट कर देने अच्छे से। गाइस काम यहाँ पे रेडी हो चुका है अपना सारा, नेट वगैरह मैंने टाइट कर दिए सारे। तो अभी इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर, एंड फिर टेस्टिंग के लिए निकलते हैं। कोल्ड स्टार्ट कर दिया, एंड अपनी डेमी थोड़ा पॉलिश वॉलिश मार के मैंने एकदम से रेडी की थी। थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट रहने देते हैं, एंड तब तक मैं कबाड़ वगैरह को उठा देता हूँ। A few moments later. अभी चेक कर रहे हैं मीटर गाइस काम कर रहा है प्रॉपरली, ये अपना मीटर प्रॉपरली वर्क जॉब कर रहा है। तो अभी बात फिर अभी चलेंगे राइड पे, तो फिर मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा। एंड छोटी सी वीडियो में इतना ही। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।